में सबसे ज्यादा सैलरी बेल्डर लोग का है, पाइप फिटर का है हमारे कंपनी में। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम कुमार भारती और आप देख रहे हैं उत्तम के भारती यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सबको दुबई में सबसे ज्यादा सैलरी किस लोग का है, कौन से काम में है, कौन से ट्रेड का है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी का नाम क्या है आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा, कमेंट में लिख के बता दूंगा कौन सी कंपनी है। हमारी कंपनी है सप्लाई, और मैं दूसरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी का बताऊंगा कौन कौन से ट्रेड का, कौन कौन से काम का कितना सैलरी है। वीडियो को पूरा देखें आप। दोस्तों, हमारी कंपनी में जो हेल्पर है उनका 500 है, मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, इन तीनों का 700 रुपये बेसिक है। और हेल्पर का भी मतलब बेसिक सैलरी जो है हेल्पर का 500 है, 8 घंटे का 500 रुपये मिलेगा। और मेसन लोग को 700 जिसका बेसिक है, उनको महीने का 8 घंटे का 700 रुपया चाहे काम रहे या ना रहे बैठा के देती है। अब इसके ऊपर जिप्सम वाले, जिप्सम, फिनिशिंग कारपेंटर, इन लोग का 900 ग्राम है बेसिक। और इसके बाद में एसी का 1100 ग्राम है बेसिक सैलरी। पाइप फिटर और बेल्डर, इन लोग का सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कंपनी में, अब अगर कोई कंपनी में 1000 दराम है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारी कंपनी में 1850 बेसिक है बेल्डर का और पाइप फिटर का। 1850 बेसिक कितना हो गया, बहुत हो गया। अगर काम करेगा तो इंडिया का 50,000 बचेगा, ठीक है, 2300-2400-2500 सैलरी आएगा। तो बहुत सैलरी है बेल्डर और पाइप फिटर का, और मैं मेसन हूँ तो हमारा तो 700 ही बेसिक है, क्या करूँ। अभी जो काम सीखा वही करेगा ना, दूसरा काम तो नहीं कर सकता है। तो आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा सैलरी हमारी कंपनी में, हमारा कंपनी सप्लाई कंपनी है। कौन सी कंपनी आप कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो में ऐसे कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ। वो कंपनी में रहता हूँ, बाद में हमारे ऊपर कोई एक्शन ले तो अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए नाम नहीं ले सकता हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सबसे ज़्यादा सैलरी बेल्डर और पाइप फिटर का है, 850 रुपये। दोस्तों, जो ये बेसिक रहता है ना हम लोग का, अगर काम नहीं रहेगा ना तो भी 8 घंटे का पैसा मिलेगा और खाने का पैसा मिलता है। अगर मैं अबू धाबी रहता हूँ तो वहाँ कंपनी का खाना है तो कंपनी खिलाती है, अगर यहाँ जबल अली हूँ या बाहर कहीं रहो तो खाने का 250-2 दिरहम देगा। अगर बैठे रहोगे फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है ये तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो कोई भी सवाल है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जानकारी मिलता है, और कौन सी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और कोई ट्रेड का सैलरी बाकी है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूँगा, रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।